हर साल जेई नीट के 5 से 7 लाख बच्चे एक गलतियां लगातार करते हैं जिसके कारण वो उतना स्कोर नहीं कर पाते जितनी उनकी औकात होती है। अगर तुम इस साल जेई या नीट का एग्जाम देने वाले हो तो आगे का एक एक पॉइंट ध्यान से सुन लेना और अपने दिमाग में छाप लेना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दलजीत राजपूत। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट बात पे आता हूं क्योंकि ना टाइम मेरे पास है और आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। जेई में उसको लगभग 5 से 6 महीने रह गए हैं और नीट को मात्र 7 से 8 महीने रह गए हैं। तो आगे मैं अब जो भी पॉइंट बताऊंगा उनको ध्यान से सुनना और उन सब पॉइंट्स को प्रिंट आउट करा के अपने सामने वाली दीवार पे लगा लेना, क्योंकि इनमें से अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया तो उसका असर आपको रिजल्ट वाले दिन दिखेगा। तो ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, 100% सिलेबस करने से जेई या नीट क्रैक नहीं होगा। कंफ्यूज? मैक्सिमम लोग लगे हुए हैं, मैक्सिमम लोग हर साल जेई नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और उनकी हर साल मेंटेलिटी यही होती है कि हम 100% एक बार सिलेबस हो जाए हमारा तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आपकी भी मेंटेलिटी यही होगी मैक्सिमम की। इस मेंटेलिटी, ये मेंटेलिटी आपको बर्बाद करके रख देगी। बिलीव मी, आज रियलिटी हिट करा रहा हूं, आज अगर समझ गए तो समझ गए, नहीं तो अगर रिजल्ट के दिन रियलिटी हिट करेगी फिर ज्यादा अफसोस होगा। आज ध्यान से समझ लो, 100% सिलेबस करने से आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। क्यों नहीं क्रैक होगा? क्योंकि जेई को समझो, जेई या नीट आपसे क्या मांगता है। हर साल लाखों बच्चे, मैं बता रहा हूं, अगर नीट में अगर 15 लाख बच्चे बैठते हैं तो उनमें से 5 से 7 लाख बच्चे तो सिलेबस पूरा करके जाते हैं। और नीट और जेई में बात करूं, जेई में भी सेम प्रपोर्शन ही होता है लेकिन सिलेक्शन हजारों का ही होता है। बस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जेई डिमांड करता है या नीट डिमांड करता है क्वालिटी को, ना कि क्वांटिटी को। आपको क्वालिटी को पहले ऊपर रखना है, क्वांटिटी को बाद में। लगे होते हैं सिलेबस करने, देख ही नहीं रहे हैं। एक चैप्टर की थ्योरी कर ली हमने, क्वेश्चन किए नहीं, 10-5 क्वेश्चन करके छोड़ दिया, चैप्टर हो गया। ऐसे करोगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा, मेरे से स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो। इस बात को समझ जाओ। हर एक चैप्टर के अगर आप कर रहे हो तो आपको लगभग हर एक चैप्टर के, अगर मैं मिनिमम से मिनिमम बताऊं तो आपको 100 से 150 क्वालिटी क्वेश्चन करने हैं तभी अगले चैप्टर में जाना है। ऐसे सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, मेहनत भी करके जाओगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन आपको करने है कि जेई और नीट का एग्जाम कंसेप्ट का एग्जाम नहीं है। इस बात को दिमाग में छाप लो, जेई नीट का एग्जाम कंसेप्ट का एग्जाम नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्जाम है। आपको क्वेश्चन में करना आना चाहिए। आपको रिलेटिव मोशन आता है लेकिन आपको रेन मैन प्रॉब्लम सोल्व करने नहीं आती, फिर कोई भी फायदा नहीं है। आपसे जेई नीट में पास हो ही नहीं सकते, आप क्रैक हो ही नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन करो, प्लीज करो। एक चैप्टर को करके सिर्फ 10 क्वेश्चन कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे। मैक्सिमम लोग थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अगर मैं काइनामेटिक्स की बात करूं या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करूं या केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं या आपके मोल कंसेप्ट की बात करूं या मैथ्स में बात करूं या बायो में बात करूं, तो कंसेप्चुअली लेवल पे हम पढ़ जाते हैं, थ्योरी उसकी पढ़ जाते हैं लेकिन उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाते। और आते उधर क्वेश्चन ही है, फिर हमसे क्वेश्चन होते नहीं है। तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि 100% सिलेबस करने से गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा। क्वालिटी और क्वांटिटी को एक आपको प्रॉपर बैलेंस रखना होगा। क्वालिटी ऐसा ही नहीं कि सिर्फ क्वालिटी भी लग जाना कि मतलब एक चैप्टर की उस पर पीएचडी ही करने लग गया कि मोल कॉन्सेप्ट पे पीएचडी ही करने लग गए, नहीं। आपको क्वालिटी और क्वांटिटी में एक अच्छा एक बैलेंस बना के चलना है तभी एग्जाम क्रैक होगा। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी तो अच्छी रखते हैं लेकिन क्वालिटी को नहीं अच्छी रखते, और इसी के साथ आप 5-7 लाख रैंक पीछे पहले चले जाते हो। तो क्वालिटी पे भी ध्यान दो, हर एक चैप्टर के लगभग 100 से 150 क्वेश्चन करके जाना, नहीं तो बात नहीं बनेगी। पॉइंट नंबर 2, कंसिस्टेंट रहना। बहुत बड़ा पॉइंट है। आप नो मैटर, अगर आप 15-16 घंटे नहीं स्टडी कर पा रहे तो चलेगा, करते तो और बेटर है, लेकिन रोज के अगर आप 8 घंटे स्टडी कर रहे हो तो बेस्ट है। रोज करना है, रोज कंसिस्टेंट रहना है हमें। अगर बीच में एक दिन भी टूट गया तो अगले 2 दिन आपके और खराब हो जाएंगे और उसके बाद अगले 2 दिन उस पिछले 2 दिन के रिग्रेट में निकल जाएंगे और आपका ऐसे ही करके पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और आपका जेई या नीट का एग्जाम आ जाएगा, उसके बाद रिग्रेट फील होगा। और रिग्रेट फील होने का मूवमेंट ना आने दो। जब हम दुखी होते हैं ना तो जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जो रिग्रेट होता है ना वो पूरी जिंदगी चुभता है।
तो ओ मूवमेंट को ना आने दो, रोज एक ईंट पे ईंट डालोगे तभी एक महल बन के आएगा। ऐसे एक दिन में महल नहीं बन जाता कि एक दिन मैंने 20 घंटे पढ़ लिया उसके बाद बस हो गया, उसके बाद दो दिन मैंने रेस्ट कर ली, ऐसे नहीं होगा। रोज एक एक ईंट डालोगे तभी जाके एक सुंदर सा महल बन के आएगा। तो रोज मेहनत करनी है, रोज कंसिस्टेंट रहना है। पॉइंट बहुत लाइट लेते हैं लोग, और यही सबसे हैवी पॉइंट है। कोई भी कुछ भी मैटर नहीं करेगा, आप जाइए जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, जितने मर्जी महंगे टीचर से पढ़ लो, जितना अच्छा कोर्स ले लो, जितने अच्छी टेस्ट सीरीज ले लो, जितना अच्छा मटेरियल ले लो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप जितना माइंड में सोच रहे हो कि मेरा इतना रैंक आएगा तो उतना रैंक तो कभी भी नहीं आएगा। तो कंसिस्टेंट होना शुरू हो जाओ, आज से एक नियम बना लो, एक रूल बना लो कि रोज तो मैं 8 घंटे पढ़ूंगा ही, उससे ज्यादा पढ़ूंगा तो चलेगा और बेटर है मेरे लिए, लेकिन 8 घंटे तो मिनिमम मुझे रोज पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा बर्थडे हो, कुछ भी हो, मुझे 8 घंटे रोज पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? पॉइंट नंबर 3 की बात करूं, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको हर एक चैप्टर के, अगर आप जेई के एस्पिरेंट हो तो आपको जेई के, अगर नीट के एस्पिरेंट हो तो नीट के, आपको हर एक चैप्टर के जेई या नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब से जेई या नीट शुरू हुआ है उससे लेके आज तक, वो सब आपको पी जाने हैं। जेई नीट के एग्जाम का अमृत है PYQ, इसको अगर पी लोगे तो अमर हो जाओगे। तो जेई नीट के अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एक भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको एक साइकोलॉजी देंगे कि जो उधर बैठे हुए हैं जेई नीट का एग्जाम बनाने वाले, वो भी तो इंसान ही हैं। आपको जेई नीट के पेपर अटेम्प्ट करने से एक साइकोलॉजी मिलेगी कि वो किस तरीके से सोचते हैं, वो किस तरीके से सोच के पेपर बनाते हैं। और आपको अगर एक बार ये समझ आ गया कि वो क्या सोच के पेपर बनाते हैं, क्या 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 ढूंढ के पेपर बनाते हैं, अगर ये साइकोलॉजी आपने क्रैक कर ली, फिर आपका जेई नीट का एग्जाम और इजी हो जाएगा। आपको पता होगा, आप टॉपिक जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा जेई इधर से पूछेगा, अच्छा नीट इधर से पूछेगा। आपको एक साइकोलॉजी मिल जाएगी कि जेई नीट पूछता क्या है, कैसे फ्रेम करता है क्वेश्चन को। और ये साइकोलॉजी तभी आपको मिलेगी जब आप हर एक क्वेश्चन दबा के करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, राइट? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह करके जाने हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई वालों के लिए भी और नीट वालों के लिए भी। नीट वालों के लिए तो स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आप बर्बाद हो जाओगे। नीट वाले बच्चे और जेई वाले बच्चे, आप दोनों को टेस्ट देने हैं। अभी के टाइम पे, अभी के लिए मैं फ्रीक्वेंसी ये कह सकता हूं कि आप महीने में 2 टेस्ट तो मिनिमम दो, और हर टेस्ट में अपनी एनालिसिस करो कि इस टेस्ट में क्या मैंने जो 2 हफ्ते में, जैसे आप 2 हफ्ते बाद टेस्ट दो तो 2 हफ्ते बाद देखो क्या मेरे में कुछ इंप्रूवमेंट आई है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो सोचो कि क्या गलतियां हो रही हैं, मैं अपनी स्ट्रैटेजी में क्या चेंज करूं सो दैट अगले वीक में, अगले 2 वीक के बाद जब मैं टेस्ट दूं तो इंप्रूवमेंट आए। तो हर 2 वीक के बाद चेक करो अपने आप को, अपने आप की एनालिसिस करो। अभी चेक करोगे तभी फायदा मिलेगा, उस दिन अगर एग्जाम आपको चेक करेगा, उस दिन रिजल्ट चेक करेगा, फिर तकलीफ होगी। अभी अपने आप को एनालाइज कर लो, अपनी कमियां पहचान लो, उस दिन एग्जाम वाले को कमी पहचानने का मौका ना दो। अपनी कमियां उधर जाने से पहले ही सुधार लो, कमियां आप में भी है, सब में होती हैं, उसको अभी ही एनालाइज करके अभी सुधार लो। और वो सुधारने का एकमात्र तरीका है टेस्ट देना। मार्क्स कम आएंगे, डिमोटिवेशन होगी, मार्क्स कम लो आएंगे, कम आएंगे, कभी आएंगे ही नहीं, आप पढ़ के गए हो तब भी नहीं आएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे, डिमोटिवेशन आएगी, लेकिन आपको लगातार करते रहना, टेस्ट देने रहना है। अपनी मेंटेलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि साला कोई और तो दूर की बात, अगर खुद भी आप खुद को डिमोटिवेट ना कर पाओ, किसी दूसरे की तो बात ही छोड़ो। तो इस लेवल की स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी रखनी है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे मार्क्स टेस्ट में कम आएंगे तो अगली बार इंप्रूव करूंगा, अगली बार कम आएंगे तो अगली बार इंप्रूव करूंगा। ये स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी आपकी होनी चाहिए। तो इन 4 पॉइंट को अपने दिमाग में रखना, रोज रिकॉल करना, क्योंकि अगर इनमें से एक भी पॉइंट मिस हो गया, इनमें से आपने एक भी पॉइंट को लाइट ले लिया, फिर आपका रैंक में डिक्रीमेंट जरूर आपको उस दिन रिजल्ट में देखने को मिलेगा। लाइफ में यार अभी इस थ्रू आउट द जर्नी अभी बहुत सी डीमोटिवेशन आएगी, पर जीतेगा आप में से वही जो अपनी ये सारी डीमोटिवेशन वाले मोमेंट्स को मोटिवेशन में कन्वर्ट करने का जिगरा रखता हो अपने काम के दम पे। और मुझे पता है कि आप में जनून है, तभी आप अभी इस लास्ट तक आए हो इस वीडियो के। तो पूरी अपनी एनर्जी लगा दो, और एक बार जाके कमेंट सेक्शन में पूरी एनर्जी से लिख दो कि यस भैया आई विल क्रैक द अपकमिंग एग्जाम, ये सारा कुछ लिख दो। उम्मीद करता हूं कि अगली वीडियो में मैं जब आऊंगा तो एक बेहतर जेई नीट एस्पिरेंट से मिल रहा हूंगा।
एक बेहतर एक इंप्रूव जेई नीट एस्पिरेंट से मिल रहा हूंगा। तो जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।